सब्सक्राइब कीजिए यस फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। ये मैंने बुकरम ली है, इसकी लेंथ 12 इंच है और ब्रेथ इसकी 7 इंच है। इस बुकरम को हम इस तरह से मोड़ लेंगे, बराबर करके रखना है। देखिए इस तरह से हमने मोड़ लेना है और जिस साइड हमारी ये क्लोज है यहाँ से हमें 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है कि इस तरह से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, और इस साइड हमारी ये ओपन है। और इस तरह से हम इंच टेप को रख लेते हैं। यहाँ से एक निशान हमें 6.5 इंच पर लगाना है और दूसरा निशान हम 11 इंच पर लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया है ठीक इसी तरह हम यहाँ पर भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम स्केल से यहाँ पर लाइन बना लेते हैं। और यहाँ पर हम राउंड शेप दे देते हैं इस तरह से, या आप इस तरह से यहाँ से इस सेंटर से रखिए। देखिए 1 इंच की दूरी पर यहाँ पर ये निशान लगाइए और इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए। ओके, अब यहाँ से हमें 1 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। यहाँ से देखिए ये 1 इंच की दूरी पर निशान लगाया और जो ये हमारा यहाँ पर निशान लगा हुआ है यहाँ से भी हम 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। ये अब देखिए यहाँ से ये जो निशान लगा हुआ है हमारा इसको हम सीधा कर लेते हैं, इस तरह से लाइन बना लेते हैं यहाँ तक, जहाँ तक ये मैंने ये 1 इंच की दूरी पर निशान बनाया है ये इस तरह से यहाँ तक बनानी है और इसके बाद ये हमें इस तरह से लाइन बनानी है। देखिए इस तरह से ये हमारी शेप बन जाएगी। अब हमें यहाँ से 1-1 इंच की दूरी पर ये निशान लगाते जाना है। इंच टेप से लगा देते हैं और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, इस तरह से बन जाएगा। चलिए अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा तिरछा कट गया था इस तरह से। अब हमें यहाँ से तरह से काटना है। यहाँ से तो हमें काटने की जरूरत ही नहीं है, बराबर है इतना। अब हम यहाँ से काटते हैं ये, इस तरह से हमारी शेप बन जाएगी। अब हमें इसको इस कपड़े पर रखना है। देखिए कपड़ा सीधा इस साइड से है और ये उल्टी साइड से, उल्टी साइड से रख करके हमें इस शेप को इस तरह से रख लेना है।
हमें इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 इंच होनी चाहिए, 5 इंच। और यहाँ पर हम आलपिन लगा देते हैं, और इस तरह से रख करके आप प्रेस कर सकते हैं, प्रेस से चिपका सकते हैं या फिर आप सिलाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं सिलाई करूँगी। इस तरह से रख करके हमें बुकरम के ऊपर सिलाई करते जाना है, बुकरम के किनारे किनारे पर। देखिए अब ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देते हैं। यहाँ से हमें इस बुकरम से 1/2 इंच रखना है, देखिए इतना हमें लगभग रखना है, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देती हूँ मैं। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाते हैं। इस तरह से मोड़ करके अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा हो चुका है। अब ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ पर सेंटर में एक कट लगाएंगे, जिधर से ये हमारा क्लोज है इस साइड से हमें यहाँ पर कट लगाया है। इस तरह से इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। देखिए ये मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट को सीधी साइड से रखा है, उल्टी साइड नीचे की साइड है, और ये मैंने गला इस तरह से रख लिया है, और ये जो मैंने कट लगाए थे इन दोनों के कट मैंने यहाँ पर इस तरह से मिला लिया है, और इस तरह से रख करके हमें यहाँ पर एक सेंटर में सिलाई लगानी है। और इसकी जो ये कॉर्नर है ये मैंने फोल्ड किया था तो यहाँ सेंटर में आनी चाहिए। देखिए इस तरह से ये बनी हुई है किनारे, जैसे मैंने फोल्ड किया था तो यहाँ पर इसका जो कॉर्नर है ये यहाँ सेंटर में आना चाहिए। और यहाँ पर पहले मैं एक सीधी सिलाई लगाती हूँ, यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगानी है और लंबी चाल से लगानी है हमें, ये कच्ची सिलाई लगानी है।
अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, बुकरम के किनारे किनारे लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, कपड़े पर लगानी है हमें। बुकरम के किनारे किनारे हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। देखिए बुकरम के आगे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, इससे आधा इंच आगे को हमें काटना है इस तरह से। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाने हैं। देखिए सिलाई नहीं कटनी चाहिए और इसको हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे तरह से। देखिए अभी मैंने गोल्डन कपड़ा लिया है, ये 1 इंच चौड़ाई की एक पट्टी काटनी है हमें। देखिए इधर से भी हमें थोड़ा सा इस तरह से मोड़ना है और इधर से भी दोनों साइड से मोड़ करके और इस तरह से हम मोड़ लेंगे और यहाँ पर हम किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से मोड़ते जाएंगे। आपको जिस कलर की भी ये लुप्पी लगानी है, ये मैंने लुप्पी लगाने के लिए मैं ये पट्टी बना रही हूँ, आपको जिस कलर की भी लगानी है आप उसी कलर का कपड़ा ले सकते हैं। ये नहीं है कि गोल्डन कलर की ही लगानी है, आपको जिस भी मैचिंग की लगानी है लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें ये कपड़ा लगाना है इस तरह से, इसी कलर का इस तरह से। यहाँ पर हमें लुप्पी लगानी है तो एक निशान हम यहाँ लगा लेंगे
एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों साइड में तीन तीन लगानी है। डोरी डालने के लिए लुप्पी लगानी है, और ये जो मैंने पट्टी बनाई है गोल्डन, इसकी मैं लुप्पी लगाऊंगी। तो ये डेढ़ डेढ़ इंच की हम छः पीसेस काट लेंगे। डेढ़ इंच का एक पीस होना चाहिए, देखिए इस तरह से डेढ़ इंच। इस तरह से मैंने छः काट लिए हैं, और यहाँ पर हमें ऊपर इस तरह से मोड़ करके सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से एक फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई हो चुकी है। देखिए अब हम गले पर यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करते हैं। इसके नीचे इस तरह से हम रख लेते हैं। और यहाँ पर हमें लुप्पी भी लगानी है, लुप्पी को हम इस तरह से मोड़ लेते हैं और यहाँ पर रख लेंगे। जहाँ हमने ये दूसरा निशान लगाया था, अब ये दूसरी लुप्पी बना करके हम यहाँ पर रखते हैं। इस कपड़े के ऊपर रखनी है, और ये जो हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है इसके नीचे रखनी है, और इस तरह से रख करके सिलाई लगाते जाएंगे। आधा अंदर को रखना है, आधा बाहर रखना है। अब यहाँ पर हम तीसरी लुप्पी रखते हैं। यहाँ तक अभी ये सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक सिलाई और लगानी है, इससे थोड़ी सी दूरी पर।
अच्छे से ये दब भी जाएगी और देखने में भी थोड़ा अच्छी लगेगी, इसलिए हम ये सिलाई लगा रहे हैं। जो सिलाई हमने पहले लगाई है उसी के बराबर बराबर लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये बन चुका है। अब हम यहाँ पर ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देते हैं। और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से रख करके यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। अब हम यहाँ पर डोरी डालते हैं। ये मैंने गोल्डन कलर की डोरी बनाई हुई है, पहले से मैंने बना कर रखी थी। और अगर यदि आपको डोरी बनानी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं, मैंने डोरी बनानी बताई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। चलिए इस तरह से हम यहाँ से डालते हैं। देखिए मैंने सुई में धागा डाल करके यहाँ पर एक नोट लगा ली है और इस तरह से इसके अंदर को हम निकालेंगे ताकि आसानी से डल जाए, क्योंकि ये थोड़ा फैब्रिक जो है थोड़ा टाइट फैब्रिक है, इसलिए हम इस तरह से आसानी से डाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे दूसरी साइड का जो ये बीच वाला है इसमें डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे देखिए इस तरह से ये हमारी डोरी डल चुकी है और यहाँ पर हम लटकन लगा सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।